कई बार ऐसा होता है कि हम आम तौर पे अच्छा पौष्टिक भोजन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो क्या जो लोग अच्छा पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, क्या उनको भी विटामिन्स या अन्य तरह के पोषक पदार्थों को लेने की जरूरत पड़ सकती है? और इस चीज़ को जानते हुए कि विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, तो कई बार लोग इनको बिना डॉक्टर की सलाह से लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में जब हम बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ले रहे हैं, तो क्या वो टोटली हार्मलेस होते हैं, उनके हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है? और कई बार हम डॉक्टर की सलाह से विटामिन ले रहे होते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी डेली डोज लेना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोग अगले दिन उसकी दो गोलियां लेने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि उन्होंने पिछले दिन नहीं ली थी तो अभी उनका वो जो लॉस है वो कंपनसेट हो सकता है। कई बार कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, और किसी अन्य कारण से उनको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर को बताए कि वो कौन से विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहा है, क्योंकि ऐसे विटामिन्स भी हैं जो कि कई तरह की मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भोजन के पोषक तत्व जिनको विटामिन कहा जाता है, ये हमारे शरीर के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, यानी विटामिन्स का हमारे न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी बॉडी और हेल्दी ब्रेन में क्या रोल है। विटामिन डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, यानी जो भोजन हम खाते हैं उसके द्वारा हम इन्हें अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। विटामिन जो नाम है ये वाइटल अमीन से लिया गया है। वाइटल अमीन यानी कि बहुत जरूरी अमीन्स। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो पहले पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो वाइटल अमीन्स हैं या वाइटामिन्स हैं, ये भी एक तरह के अमीन्स हैं, लेकिन बाद में हमें स्टडी से पता चला कि ये कुछ अलग तरह के पोषक पदार्थ हैं, लेकिन नाम इनका अभी भी हम इनको वाइटामिन्स ही कहते हैं। तो जो वाइटामिन्स हैं ये ए बी सी डी ई और के नाम से जाने जाते हैं। इन विटामिन्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे विटामिन ए डी ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यानी इनको शरीर में ग्रहण करने के लिए इनका फैट में डिजॉल्व होना या किया जाना जरूरी है। तो ऐसे जो विटामिन हैं जो कि किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, यानी फैट्स में घुल के हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, इनको फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। यानी कुछ विटामिन ऐसे हैं जो पानी के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जिनको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल हैं। तो इससे हमें एक बहुत जरूरी जानकारी मिलती है। जैसे कई बार डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कि ये विटामिन की टेबलेट आपने खाली पेट लेनी है, और ये विटामिन की टेबलेट या ये दवाई आपने कुछ खाना खाने के बाद लेनी है। तो उसमें कई बार हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, या इस चीज़ में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। तो जो विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, उनको एब्जॉर्ब होने के लिए स्टमक में यानी आपके पेट में कुछ फैट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसलिए ऐसे विटामिन को कुछ खाने के बाद, यानी ऐसा कुछ खाएं आप, थोड़ा हल्का फुल्का या कुछ भी खाना खाएं जिसमें थोड़े बहुत फैट्स प्रेजेंट हो, तो क्योंकि ये विटामिन उन फैट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको आप खाली पेट भी ले सकते हैं। तो विटामिन जो हैं इनको एक और एक सलाह दी जाती है कि इनको आप
धूप से बचा के रखें। आमतौर पे आप देखेंगे कि जो विटामिन की गोलियां हैं या विटामिन के कैप्सूल्स हैं, ये एम्बर कलर के ग्लास बॉटल्स में आते हैं, यानी थोड़ा जो ब्राउनिश कलर का जो ग्लास रहता है ऐसी बॉटल्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन्स बहुत जल्दी सनलाइट में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इसलिए इनको ठंडे और शेडी प्लेस में स्टोर करना चाहिए। यानी अगर आपने विटामिन्स की कोई आप गोलियां ले रहे हैं, तो कई लोगों की ये आदत होती है कि वो उसको फॉइल में से निकाल के अलग से किसी बॉटल में स्टोर कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो सूर्य की रोशनी में खराब हो जाते हैं, इसलिए आमतौर पे विटामिन्स के कैप्सूल्स या विटामिन की जो गोलियां हैं वो ऐसी पैकिंग में दी जाती हैं जिसमें सनलाइट ना पहुंच पाए। तो इन विटामिन्स के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, एक एक करके सब विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनके सोर्सेस क्या हैं और वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो हमारे मस्तिष्क के लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन ए इज़ ए टर्म यूज फॉर नंबर ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स, जिसमें कैरोटीनॉइड्स और बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, इस तरह के कई सारे कंपाउंड्स हैं जिनके समूह को विटामिन ए कहा जाता है। आमतौर पे हम इनको विटामिन ए कहते हैं, क्योंकि इन सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी, हमारा शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट कर सकता है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका हमारी आंखों की अच्छी रोशनी में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहे, हमारा विजन अच्छा रहे, उसके लिए विटामिन ए ज़रूरी है। कैरोटीनॉइड्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पौधों से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मेनली फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, और इनके जो सोर्सेज हैं इसको आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स की वजह से जो पौधे हैं या पौधे से मिलने वाले जो फल हैं या सब्जियां हैं, इनका रंग पीला, नारंगी या लाल होता है। तो आप इसको आसानी से पहचान लेंगे, जिन फलों का और जिन सब्जियों का रंग पीला, नारंगी या लाल है, तो संभावना है कि उसमें काफ़ी मात्रा में आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलता है। तो विटामिन ए के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिनको हम प्रो विटामिन ए या प्री फॉर्म्ड विटामिन ए कहते हैं। तो दो फॉर्म्स हैं, प्रो विटामिन ए और प्री फॉर्म्ड विटामिन ए। जो प्रो विटामिन ए है, ये कैरोटीनॉइड कंपाउंड्स का समूह है, जिसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, इस तरह के कंपाउंड्स शामिल हैं। ये विटामिन की इनएक्टिव फॉर्म है जो कि हमें पौधों से मिलती है, जैसे कैरेट्स यानी गाजर, एप्रिकॉट, गावा, मैंगोस, पीच, ब्रोकोली, पम्पकिन, टमाटोज, वाटरमेलन। अब ये आप सारे फल और सब्जियां देखें, ये ज़्यादातर लाल रंग के हैं या पीले रंग के हैं, तो ऐसे प्लांट से हमें प्रो विटामिन ए मिलता है। प्रो विटामिन ए को हमारी बॉडी अपनी ज़रूरत के अनुसार विटामिन ए में कन्वर्ट कर सकती है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा भी इन पदार्थों को खाते हैं तब भी आपको टॉक्सिसिटी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितनी आपके शरीर की ज़रूरत होगी उसके अनुसार ये विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। इसके कंपैरिजन में जो प्री फॉर्म्ड विटामिन ए है, जिसमें रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, इस तरह के कंपाउंड शामिल हैं, ये हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे मीट, चिकन, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इनमें से जो मिलने वाला विटामिन ए है, ये प्री फॉर्म्ड विटामिन ए है, तो ये पहले से बना हुआ है, इसलिए इनसे हमें कई बार टॉक्सिसिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा विटामिन ए वाले पदार्थ लेते हैं तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी अगर आप विटामिन ए वाले पदार्थ भी ले रहे हैं, विटामिन ए के सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और विटामिन ए जो है, ये हमारी जीन्स की रेगुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बॉडी में ये जो रेटिनोइक एसिड है, इससे
जीन की ट्रांसक्रिप्शन यानी जब सेल्स डुप्लीकेट करते हैं तब जब जीन ट्रांसक्राइब होते हैं उसमें विटामिन ए का या रेटिनोइक एसिड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स आल्सो एंड इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर में बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है डोपामीन का. तो ये डोपामीन की प्रोडक्शन में और डोपामीन के रिसेप्टर्स के बनाने में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए विटामिन ए को मूड, मेमोरी और लर्निंग में बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. हमने पढ़ा था कि डोपामीन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है. तो क्योंकि रेटिनोइक एसिड जो है या विटामिन ए जो है ये जीन ट्रांसक्रिप्शन में, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में और न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करने में और उनके रिसेप्टर्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, इसलिए ये हमारे मूड को, मेमोरी को और लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है. विटामिन ए की जो डेली रिकमेंडेड डोज है ये पुरुषों के लिए 900 माइक्रोग्राम और महिलाओं के लिए 700 माइक्रोग्राम और बच्चों और एडोलोसेंट्स में एज पर एज एंड एज पर द जो शरीर की जैसी समर्था है उसके अनुसार 300 से 600 माइक्रोग्राम पर डे तक है. लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन ए लेना भी बुरा हो सकता है. तो हमें विटामिन ए के जो सप्लीमेंट्स है उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए. जब आप विटामिन ए ले रहे हैं तो कई बार जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना होने से भी अगर आप विटामिन ए लेना शुरू कर दें तो ये खतरनाक हो सकता है. अगर फैमिली में कोई न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस की हिस्ट्री है, यानी फैमिली में कोई ऐसा आपकी हिस्ट्री चली आ रही है जिसमें न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं, तब भी विटामिन ए को सोच समझ के लेना चाहिए. क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है और विटामिन ए से टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसलिए विटामिन ए को डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए. रेटिनोइक एसिड जो कि विटामिन ए का एनिमल से मिलने वाला प्रोडक्ट है, ये हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसलिए क्योंकि मीट में ये बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है इसलिए मीट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है. रियल विटामिन ए रेटिनोल इज ओनली फाउंड इन मीट एंड इट इज व्हाट गिव्स फैट्स ए येलो ह्यू. तो फैट्स का जो कलर है थोड़ा येलोइश होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेटिनोइक एसिड विच इज प्रेजेंट इन फैट्स. और ये जो रेटिनोइक एसिड या रेटिनोल है ये सिर्फ मीट में या एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, इसलिए मीट को ब्रेन फूड माना जाता है. प्लांट्स लाइक कैरेट एंड स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, ये भी कैरोटीनॉइड्स के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और बॉडी इनसे रेटिनोल बना सकती है, इसलिए इनको भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. रेटिनोइक एसिड इज बायो एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन ए एंड इज ए सिग्नल मॉलिक्यूल इन द ब्रेन. रेटिनोइक एसिड जो है ये विटामिन ए का एक मेटाबोलाइट भी है और ये ब्रेन में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है फॉर न्यूरोजेनेसिस यानी ब्रेन के नए सेल्स बनाने में, न्यूरोनल सर्वाइवल यानी नर्व सेल्स की एज बढ़ाने के लिए एंड सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी यानी नए न्यूरोनल कनेक्शन बनाने के लिए विटामिन ए इज वेरी इम्पॉर्टेंट. इसीलिए विटामिन ए लर्निंग को प्रमोट करता है और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उससे लर्निंग का इम्पेयरमेंट हो सकता है यानी सीखने की क्षमताएं कम हो सकती हैं और ये मेमोरी को बनाने में भी हेल्प करता है. रेटिनोइक एसिड का जो मेजर इम्प्लिकेशन है दैट इज इन रेटिनोइक सिग्नलिंग और इसका रोल सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में, लर्निंग और मेमोरी में, स्लीप, शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन,
पार्किंसन डिजीज और अल्जीमर्स डिजीज में भी इसका रोल है, यानी दिमाग से संबंधित जो मेमोरी से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज है या अल्जीमर्स डिजीज है, या मूड से संबंधित है जैसे डिप्रेशन और शिजोफ्रेनिया है, या स्लीप से संबंधित है और मेमोरी और सीखने की क्षमताओं से संबंधित है, ऐसी क्षमताओं में विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करता है। अब आगे हम जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 8 विटामिन बी, यानी 8 तरह के विटामिन बी हैं जिनके समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इनके नाम है विटामिन B1 जिसको थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायसिन, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 दैट इज कोबालामिन। अब ये जो सारे विटामिन्स हैं इनके बारे में अलग अलग जानते हैं। सबसे पहले विटामिन B1 यानी थायमिन की बात करते हैं। इट इज असेंशियल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज को कंज्यूम करने की या बर्न करने का जो प्रोसेस है उसमें ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन नर्व मसल एंड हार्ट फंक्शन। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन ये क्रूशियल है फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड कॉम्पोनेंट यानी मेटाबोलिज्म में, और एब्जॉर्बिंग अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेनिंग टिश्यू। तो ये ऐसा विटामिन है जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन B3 यानी नायसिन, इसको विटामिन PP भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर है, यानी इस विटामिन को ना लेने से विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी है इट इज शोन एज प्लेगरा। तो इसको लेने से प्लेगरा नहीं होता है, इसलिए इसको विटामिन PP यानी प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर बोला जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, आर्थराइटिस में हेल्पफुल है, और ब्रेन फंक्शंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B5 यानी पेंटाथेनिक एसिड या पेंटोथिनेट भी इसको बोलते हैं, ये एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में कम जानकारी लोगों को है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी आमतौर पे नहीं होती है। ये जो विटामिन B5 है ये पेंटाथेनिक जो नाम है ये पेंटो से आता है, जिसका ग्रीक में मतलब है कि लगभग सभी फूड्स में ये प्रेजेंट है, यानी ये सब जगह पे मिल जाता है। तो क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है इसलिए इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी लोग रखते हैं। इट हेल्प्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स हेल्दी स्किन हेयर आईज एंड लीवर। कई बार विटामिन बी को आप हेयर प्रोडक्ट्स में या स्किन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में भी आप इनके बारे में सुनेंगे, क्योंकि विटामिन बी जो है ये स्किन के लिए, हेयर के लिए और लिवर और आईज के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन ये मूड को इम्प्रूव करने में और डिप्रेशन को कम करने में हेल्पफुल है। ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में भी हेल्पफुल है, और न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये हमारी इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए विटामिन B6 इज इम्पॉर्टेंट। विटामिन B7 ये फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में या प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। स्किन, नर्व्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मेटाबॉलिज्म एंड सेल बेनिफिट फ्रॉम बायोटिन इंक्लूडिंग दिस। तो ये बायोटिन के बारे में शायद आपने कॉस्मेटिक्स में भी सुना होगा, तो ये उसी बायोटिन के बारे में है, यानी विटामिन B7 के बारे में।
विटामिन बी नाइन जिसको फोलिक एसिड या फोलेट भी कहा जाता है, ये नेसेसरी है फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स और डीएनए की सिंथेसिस के लिए। ये सेल की टिश्यू ग्रोथ, सेल ग्रोथ में, टिश्यू ग्रोथ में और सेल फंक्शंस में हेल्पफुल है। और ये हमारी एपिटाइट बढ़ाता है यानी भूख को बढ़ाता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव एसिड्स को स्टिमुलेट करता है यानी हमारे शरीर में अच्छा पाचन हो, भोजन अच्छी तरह से पचे, उसमें विटामिन बी नाइन इज इम्पॉर्टेंट। विटामिन बी ट्वेल्व जिसको कोबालामीन कहा जाता है, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि ये हमारी नर्व्स को और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिससे हमारे जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और बाकी सब बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, उसको बनाने में भी विटामिन बी ट्वेल्व इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से एक खास तरह का अनीमिया हो जाता है जिसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं, जिसका एक आम सिम्टम है कि थकान या वीकनेस फील होती है। तो उसमें भी, उसके इलाज में या उसको प्रिवेंट करने में भी विटामिन बी ट्वेल्व यानी कोबालामीन का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन बी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं ब्रेन हेल्थ के लिए। जैसे हमने अलग अलग विटामिन के बारे में पढ़ा, कुछ विटामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए हेल्पफुल हैं, कुछ विटामिन जो हैं ये हमारी वैसे ही डाइजेशन को या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल हैं। तो ब्रेन की हेल्थ में विटामिन B6, B12 और फोलेट यानी विटामिन B9, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर इन विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो तो मेंटल जो डिक्लाइन है यानी मानसिक क्षमताएं जो हैं समय के अनुसार वो कम हो जाती हैं। तो वो ऐसा ना हो उसके लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ओल्ड एज में लेने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। बी विटामिन यानी फोलेट यानी विटामिन B9 एंड B12 की जो डेफिशिएंसी है ये डिप्रेशन के साथ, डिमेंशिया यानी याद ना रख पाना या स्मृति का नाश होना उसके साथ भी रिलेटेड है। और ये कई बार एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन में भी इनकी सप्लीमेंट्स की, विटामिन्स की ज़रूरत हो सकती है। विटामिन B12 ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हमने ये जाना है कि ब्रेन को बहुत सारा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए सही शुगर लेवल होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन जो है ये फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत ज़रूरी है यानी फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, जब बच्चे के दिमाग की ग्रोथ होनी है उसमें भी विटामिन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी विटामिन बी सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के विटामिन्स हैं, अलग अलग तरह की इनकी डोज है जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएगा, लेकिन जो एवरेज डोजेज हैं वो इसमें मैंने लिखी हैं। विटामिन B1 1.1 मिलीग्राम फॉर वुमेन एंड 1.2 मिलीग्राम फॉर मेन, B2 1.1 मिलीग्राम फॉर वुमेन एंड 1.3 मिलीग्राम फॉर मेन, B3 14 मिलीग्राम फॉर वुमेन एंड 16 फॉर मेन, B5 5 मिलीग्राम, B6 1.3 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स फॉर B7 एंड B9 400 माइक्रोग्राम्स, B12 2.4 माइक्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड मेन। और इनके जो आम तौर पे जो सोर्सेज हैं जिससे आपको विटामिन बी फूड में या डाइटरी सोर्सेज में मिलता है, दे आर रेड मीट, चिकन, स्पिनच, बीट, पोटैटोस, नट, सोए प्रोडक्ट्स। सो इस तरह के जो खाने के पदार्थ हैं इसमें कुदरती तौर पे आपको विटामिन बी मिलता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन सी की, जिसका एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, यानी विटामिन सी ऐसे फलों के जूसेस में जो थोड़ा खट्टापन लिए होते हैं उसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में आपको मिलता है।
अब ये वाटर सॉल्युबल है, यानी बड़ी आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये बहुत देर तक आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं तो जितना शरीर को जरूरत है उतना एब्जॉर्ब होता है, बाकी ये वेस्ट होके या यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। इसको रोजाना अपने फूड में लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कॉमनली नोन डिजीज स्कर्वी के बारे में बात की जाती है, जो कि मसूड़ों से या दांतों की सड़न से संबंधित है। और इसमें विटामिन सी यानी सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल जो हैं, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो है ये हमारे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में और वूंड्स की हीलिंग में यानी जख्मों के भरने में भी मदद करता है, यानी उसकी भी उसमें भी थोड़ी तेजी लाता है। विटामिन सी का जो रिकमेंडेड डेली डोज है वो एडल्ट्स के लिए यानी 19 साल या 19 साल से ऊपर के लिए 90 मिलीग्राम्स पर डे फॉर मैन एंड 75 मिलीग्राम्स फॉर वुमेन है। द इंटेस्टाइन्स हैव अ लिमिटेड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन सी। विटामिन सी का जो एब्जॉर्प्शन का जो है वो हमारी इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इंटेस्टाइन की जो इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो काफ़ी लिमिटेड है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी डिक्रीज ड्यू टू लेस देन 50% व्हेन टेकिंग अमाउंट्स ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं तो आपकी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसकी एब्जॉर्प्शन 50% तक यानी लगभग आधी रह जाती है। विटामिन सी का आमतौर पे टॉक्सिसिटी बहुत कम देखने में आता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा डोज ले रहा है यानी 3000 मिलीग्राम डेली से भी ज़्यादा ले रहा है तब उसके विटामिन सी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, और इसके कारण डायरिया यानी कि लूज मोशंस या रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर इन फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग या लूज मोशन से लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है तब आपको विटामिन सी से थोड़ा आपको समझ के उसको या डॉक्टर की सलाह से आपको इसको लेना चाहिए। इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड विच कैन इंक्रीज द रिस्क फैक्टर टू गाउट यानी कि गठिया। यानी बहुत सारा विटामिन सी लेने से, और अगर आपकी फैमिली में किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है तो किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, या यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। यूरिक एसिड भी ये क्रिस्टल्स फॉर्म कर सकता है जिसके कारण गाउट यानी कि जोड़ों का दर्द या गठिया आपको एक कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को बहुत आसानी से हम लोग अपने शरीर में बना सकते हैं अगर हम अपनी बॉडी को सनशाइन को एक्सपोज करें, यानी थोड़ी देर धूप में बैठें तो हमारा शरीर अपने आप से विटामिन डी बना सकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आम तौर पे हमें नेचुरली अकरिंग फूड्स में मिलता है, जैसे फिश और एग जो कि इसका बहुत रिच सोर्स माना जाता है। मिल्क इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है इसको कई प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, यानी डिमेंशिया यानी कि स्मृति नाश यानी याद नहीं रख पाना, डिप्रेशन, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑटिज्म एंड शिजोफ्रेनिया। एज विटामिन डी एड्स इन फंक्शंस ऑफ न्यूरोनल एंड ग्लियल टिश्यू, क्योंकि विटामिन डी न्यूरॉन्स के लिए और ग्लियल टिश्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर विटामिन डी की कमी है तो इससे हमारे दिमाग की क्षमताओं के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ साथ जो कई तरह की जो
प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिमेंशिया, डिप्रेशन, डायबिटीज़, मेलाइटिस, ऑटिज्म एंड शाइजोफ्रेनिया है, इनमें भी इनका रोल हो सकता है। विटामिन डी जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कई एंजाइम्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है जो हमारे ब्रेन में या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट है। ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस में और नर्व्स की ग्रोथ में हेल्पफुल है। इट प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन्स एंड रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। तो विटामिन डी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है जिससे न्यूरॉन्स को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। और बहुत कम लेवल विटामिन डी का यानी लो लेवल ऑफ विटामिन डी इज एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कम मानसिक क्षमताओं के साथ भी विटामिन डी की कमी को जोड़ा जा सकता है। तो कितना विटामिन हमको डी जरूरी है? 1000 से 2000 जो यूनिट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट्स। और इतना विटामिन आप अपनी बॉडी में आमतौर पे बना सकते हैं अगर आप 15 से 30 मिनट तक 2 से 3 बार सूर्य की रोशनी में अगर आप हफ्ते में जाते हैं, तो इतना विटामिन डी आप अपनी बॉडी में बना सकते हैं। लेकिन इसका जो समय दिया गया है या जितनी बार आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का कलर क्या है। यानी आप जानते हैं जो फेयर स्किन है इट एब्जॉर्ब्स लेस ऑफ सनलाइट, डार्कर स्किन दे एब्जॉर्ब मोर ऑफ सनलाइट। तो जिनका कलर डार्क है वो कम समय में धूप में जाने से भी जो विटामिन डी का इनफ अमाउंट अपनी बॉडी में बना सकते हैं। और विटामिन डी इसका अगर टॉक्सिसिटी हो जाए यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन डी ले रहे हैं तो इससे नौजिया यानी कि वॉमिटिंग, पुअर एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस या वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और एक्सेसिव विटामिन डी आपकी किडनीज को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विटामिन डी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन डी लेते हैं तो उससे आपके शरीर में कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है जिसको हाइपरकैल्शीमिया कहा जाता है। तो हाइपरकैल्शीमिया होने के कारण आपको कंफ्यूजन या डिसओरिएंटेशन और हार्ट रिदम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा विटामिन डी इज बैड फॉर योर बॉडी। सभी तरह के विटामिन्स के लिए हम कह सकते हैं दैट विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस आपको विटामिन्स अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। विटामिन ई का जो डेली डोज है एडल्ट्स के लिए अबाउट 15 मिलीग्राम्स पर डे है, विच इज इक्विवेलेंट टू 22 इंटरनेशनल यूनिट्स। और विटामिन आपको आमतौर पे प्लांट बेस्ड ऑयल्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। विटामिन ई इम्पॉर्टेंट है आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए और आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें फ्री रेडिकल के डैमेज से भी बचाता है। इससे हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं या वैसे बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा देर तक उनका जो लाइफ है बना रहता है, यानी वो ज़्यादा देर तक जीवित रहते हैं। तो अच्छा तंदुरुस्त दिल और अच्छा तंदुरुस्त दिमाग दोनों के लिए विटामिन ई हमारे लिए ज़रूरी है और इसको आप प्राप्त करते हैं नट्स से या जो हमने पहले दूसरे सोर्सेज देखे सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इससे आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है यानी अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम के रूप में हमें ये नज़र आता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब आपको अपने हाथों में या पैरों में आपको वीकनेस का फील होना या आपको नर्व पेन होना, जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एक सिम्टम माना जाता है और इसका लिंक विटामिन ई के डेफिशिएंसी के साथ है। इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन,
यानी आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो सकते हैं, या बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, मसल्स को कोऑर्डिनेट करने में आपको दिक्कत आ सकती है. एटैक्सिया दैट इज लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट ड्यू टू वीक मसल्स. तो ये एक एक बॉडी का एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी मूवमेंट. सीवियर सिचुएशन है विच इज नोन एज एटैक्सिया. एंड रेटिनोपैथी विच इज डैमेज ऑफ रेटिना ऑफ आईज दैट कैन इम्पेयर विजन, यानी हमारी आंखों की रोशनी के साथ भी वाइटामिन ई का संबंध है. वाइटामिन अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से अपनी मर्जी से किसी भी अमाउंट में ले रहे हैं तो इससे आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. इससे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, और जिन लोगों की फैमिली में हार्ट डिजीज़ या हार्ट स्ट्रोक का ऐसे आपके एपिसोड्स हैं तो उनको इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है. और वाइटामिन ई इट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. तो इसलिए जैसे हमने पहले बात करी थी शुरू में कि अगर आप वाइटामिन ई ले रहे हैं और मान लीजिए आप किसी वजह से आप किसी आपको कोई ऑपरेशन करवाना पड़ता है या जिसमें आप कहीं आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है कि आप वाइटामिन ई ले रहे हैं, क्योंकि वाइटामिन ई के ज़्यादा लेने से आपको रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी रहता है. आगे हम बात करते हैं वाइटामिन के. ये भी एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिसको वाइटामिन के वन और वाइटामिन के टू माना जाता है. जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो इसके कंपाउंड्स हैं वो के वन और के टू हैं. वाइटामिन के वन को फाइलोक्विनोन बोला जाता है और के टू को मैनाक्विनोन बोला जाता है. वाइटामिन के वन आपको लीफी वेजिटेबल से मिलता है और के टू आपको एनिमल प्रोडक्ट से, यानी मीट, चीज़, एग्स, और कुछ बैक्टीरिया भी इसको बना सकते हैं. तो इन एनिमल प्रोडक्ट से आपको वाइटामिन के टू मिलता है. वाइटामिन के का जो डेली डोज है वो पुरुषों में 19 माइक्रोग्राम पर डे से 120 माइक्रोग्राम तक, और वुमेन में 19 to 90. तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी वाइडर रेंज है. और वाइटामिन के की डेफिशिएंसीज बहुत अनकॉमन है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में कि ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है, और ये बोन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल है. क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रॉम्बिन के बारे में जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे. ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि खून का थक्का जमने में हेल्प करता है. तो उसके लिए वाइटामिन के इज इम्पॉर्टेंट. वाइटामिन के का इम्पॉर्टेंट रोल ब्लड क्लॉटिंग में, बोन मेटाबॉलिज्म में, और कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने में है. अभी पिछले वाइटामिन में भी हमने पढ़ा था कि अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल है. ये हाइपरकैल्शीमिया जनरेट कर सकता है. तो उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी वाइटामिन के इज इम्पॉर्टेंट. अब वाइटामिन के का ब्रेन के साथ क्या, इसमें क्या रोल है? वाइटामिन के इज असेंशियल फॉर फॉर्मिंग स्फिंगोलिपिड्स, जो एक ऐसी तरह के फैट्स हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. यानी ब्रेन सेल्स के जो फैट्स हैं उसको बनाने के लिए वाइटामिन के इज वेरी इम्पॉर्टेंट. और कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जिससे हमें पता चलता है कि वाइटामिन के का जो सप्लीमेंट है ये मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्पफुल है. इंक्रीज लेवल ऑफ वाइटामिन के ये एपिसोडिक मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. तो अभी आगे कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगी मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या है, कैसे हम मेमोराइज करते हैं, कितने तरह की हैं, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी एपिसोडिक मेमोरी के बारे में भी. यानी कुछ इवेंट्स को हम कैसे मेमोराइज करते हैं, तो ऐसी मेमोरी जो किसी इवेंट से रिलेटेड है इसको एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है. तो दो तरह के मेमोरीज की हम बात करते हैं, डेक्लरेटिव मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी. तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि वाइटामिन के जो है ये एपिसोडिक मेमोरी को इम्प्रूव
करता है, ऐसे कुछ स्टडीज हमारे सामने आई हैं। विटामिन B6, B12 और फोलेट, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कि रिच सोर्सेज इनके हैं। एग्स विच आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन बी एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शन, यानी दिमाग को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए डेफिनेटली एग्स आर गुड सोर्स। और हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा, बेल पेपर्स, गावा, कीवी, टमाटोज एंड स्ट्रॉबेरीज, इनमें काफ़ी विटामिन सी होता है। और एक मीडियम साइज का जो ऑरेंज है, इसमें आपको आपकी डेली डोज का जो विटामिन सी है आपको मिल सकता है। तो आमतौर पर कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट वी कैन ऑल्सो से दैट एन ऑरेंज ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि इससे आपको काफ़ी मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। कीवीज एंड स्ट्रॉबेरीज हैव ऑलमोस्ट डबल विटामिन सी एज मच एज ऑरेंज, और 100 ग्राम्स ऑफ बैक रन्स दे हैव 200 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी, दैट इज मोर एज कम्पेयर टू एनी अदर फ्रूट। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जानकारी है जिनसे आपको काफ़ी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। विटामिन ए के लिए आपको नट्स खाने की ज़रूरत है, तो नट्स डेफिनेटली आपकी कॉग्निशन को बढ़ाते हैं, दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होने के चांसेस को कम करते हैं, आपकी मेमोरीज को शार्प करते हैं। और वॉलनट दे डिलीवर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स टू, तो आमतौर पे बड़ा आम माना जाता है, हम अपने आसपास भी देखते हैं, विजडम है कि नट्स दे आर गुड फॉर योर ब्रेन, सो दे आर रियली गुड फॉर योर ब्रेन बिकॉज दे आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ विटामिन ई। नट्स में आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, विटामिन ई मिलता है, तो इस वजह से विटामिन्स आर गुड। और विटामिन के लिए ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन के का, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये भी आपके ब्रेन को डैमेज से बचाता है। एक कप ब्रोकली में आपको लगभग सफिशिएंट विटामिन के मिल जाता है जो आपकी डेली नीड के लिए ज़रूरी है। सो ब्रोकली इज रियली गुड फॉर यू, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। सो विद दिस आई हैव कम टू एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेसन। So there are more videos available about macronutrients and their effect on brain functions. I hope if you view them, you will find them informative. Kindly share your inputs. Let me know whether you have liked this video or not. And send a message through the message box.